आज कुर्ला में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन कुर्ला वाइज की तरफ से किया गया है। आपको पता है कि मुंबई जैसे शहर में आज ब्लड की कितनी किल्लत है और लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा है। इसी वजह से इसको देखते हुए कुर्ला वाइज ने एक ब्लड कैंप का आयोजन किया। आइए हम बात करते हैं कुर्ला वाइज के प्रेसिडेंट श्री इरशाद जी से कि ये जो ब्लड कैंप उन्होंने रखा है किस वजह से रखा और क्या सोच के रखा। इरशाद जी, जो आज ये ब्लड कैंप आपने आयोजित किया है, ये किस वजह से किया है और क्या देख के आपने ये ब्लड कैंप रखा हुआ है? सबसे पहले तो मैं मुंबई सर्विलेंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस पैंडमिक में जो है इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ तक पहुँचे। हमने काफ़ी स्टडी की थी और कई ऐसे रिपोर्ट हमारे सामने आए थे कि कुर्ला और कुर्ला के अतराफ में, अक्रॉस द कुर्ला और अराउंड द कुर्ला जो है ब्लड की जो है बहुत शॉर्टेज थी ब्लड बैंक्स में। तो कई ऐसे पेशेंट थे जिनको ब्लड्स नहीं मिल रहे थे। तो हमने जो है एक कुर्ला वाइज ने इससे पहले कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया था, ये फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप था कुर्ला वाइज की तरफ से। तो हमने लोगों से अपील की, कुर्ला वालों से अपील की, कुर्ला के नौजवानों से अपील की, सारे NGOs और ग्रुप से अपील की, ऑल कुर्ला कमेटी जो हमारे साथ आप देख रहे हैं, ऑल कुर्ला कमेटी के सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो लोग भी हमारे साथ जो है काफ़ी मेहनत किए इस एक्टिविटीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ये रहा पेपर, ये आप देख रहे हैं इसमें एंट्रीज है, अवेलेबल है। मोर देन 60 पेशेंट जो है लोगों ने, मोर देन 60 लोगों ने जो है यहाँ ब्लड डोनेट किया है हमें और इसे कामयाब बनाया है। मकसद सिर्फ एक था इस कैंप को करने के लिए कि कुर्ला में जो है किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई गरीब या कोई मजलूम जो है बिना ब्लड के जो है उसे कोई ऐसा ना हो कि किसी की जान चले जाए। बस इस मकसद को सामने रखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप किया गया था। और मैं फिर कहता हूँ कि कुर्ला के तमाम लोगों का बहुत बहुत जो है शुक्रिया इतनी प्यार और मोहब्बत देने के लिए। थैंक यू। और साथ ही ऑल कुर्ला कमेटी के प्रेसिडेंट से भी बात करते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस कैंप में काफ़ी सहयोग दिया है। आज उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उन्होंने सहयोग दिया और क्या उम्मीद थी और कितना हो गया है। देखिए, ऐसा है जैसे इरशाद भाई ने जब ये बताया कि हमें इस तरह के ड्राइवर रखना है ब्लड डोनेशन की, तो ये बहुत अच्छी बात थी और अच्छा लगा ये कुछ पहल, अच्छी पहल ये कर रहे हैं। तो ऑल कुर्ला कमेटी की टीम इसके साथ जुड़ गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ये ड्राइव को। जो हमारी उम्मीद थी उससे अच्छा ड्राइव हुआ है। और मैं जो लोग इसमें शामिल हुए, ऑल कुर्ला कमेटी की टीम और उसके अलावा एतराफ़ के जो लोग, इन लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग आके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। और जिस तरह के आपने इस तरह का ये जो कैंप रखा है, क्या आगे भी आप इस तरह का कैंप कहीं और आयोजित करने वाले हैं कि पूरे कुर्ला में नहीं, पूरे मुंबई में आज ब्लड की जो कमियाँ हैं उसके लिए कि या कुर्ला वाइज कुर्ला छोड़ के और भी कहीं कैंप ऑर्गेनाइज करने वाली है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि इन द नेम ऑफ द ग्रुप, जैसे कि कुर्ला वाइज नाम दिया गया है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रिफर हम पहले कुर्ला वालों को दें। ऐसा नहीं कि हम कुर्ला वाइज है तो सिर्फ कुर्ला के लोगों के लिए है। हमने कई जो है आउट ऑफ कुर्ला, हमने गोरेगांव तक के जाके काम किया है, हमने साइन तक के जाके काम किया है, हमने जो है सांता क्रूज तक के जाके ये सब काम किया है। ऐसा नहीं है, और हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहती है। आज ही हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी जो है वो मेडिकल के लिए, वो जोगेश्वरी के लोग हैं, लेकिन हमने उनको पूरा सहयोग दिया है और उनका काफ़ी जो है 70% अप्रोक्सी जो है हमने कम कराने की कोशिश की है मेडिकल जो उनकी बिल्स है। तो हम कोशिश यही करते रहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है पहुंचा सके। कुर्ला वाइज क्या सिर्फ ब्लड कैंप ही करते हैं कि और भी कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बिल्स वगैरह हैं, और भी जो मेडिकल फील्ड्स में हैं, और भी कुछ काम वगैरह आप लोग अंजाम वो देते हो? मेडिकल लेवल पे सिर्फ जो है ब्लड कैंप नहीं है, हम जो है MRI जो होता है वो भी लो से लो लेवल पर, पूरे बॉम्बे में हम जो है BMC रेट से कम रेट में MRI और CT scan प्रोवाइड करते हैं लोगों को। पैट स्कैन जो है हम लो से लो लेवल पे, हमारा चैलेंज है ये पैट स्कैन के लिए, पूरे बॉम्बे में जो पैट स्कैन का प्राइस हम प्रोवाइड करते हैं वो पूरे बॉम्बे में कोई प्रोवाइड नहीं करता है। और इस तरीके तो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, मोर देन हम जो है 60-70% डिस्काउंट में करवा देते हैं।
हमने काफ़ी काम किया है, जैसे वुमेंस के लिए हो गया, उनके लिए भी हमने काफ़ी काम किया। पैंडेमिक में सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बंद थे, बच्चों के डिलीवरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। मोर देन 53 वुमेंस का हमने डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था पैंडेमिक में। हमने पैंडेमिक में जो है कोविड पेशेंट को हमने मोर देन 800 पेशेंट को कोविड सेंटर में हमने एडमिट करवाया है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, और अगर मैं गिनाऊंगा तो शायद काफ़ी वक्त लग जाएगा। थैंक यू इरशाद जी। और ऑल कुर्ला कमेटी के को तो सबको पता है कि उन्होंने भी इस कोविड में बहुत काम किया है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, खाली ऑल कुर्ला कमेटी नहीं, पूरे बम्बई में काफ़ी लोगों ने काम किया। कुर्ला देखा जाए पूरे बम्बई में इसमें बहुत आगे रहा है। कुर्ला के कई NGO, कई टीम, पॉलिटिकल लीडर जो है कुर्ला के अंदर कोई भी चीज़ों की तकलीफ़ अगर हुई है तो वहाँ वो पहुँच गए, चाहे वो ऑल कुर्ला कमेटी की टीम हो, कुर्ला वाइस की हो, जैसे एक रोटी बैंक है, ऐसे कई हैं, अगर नाम ले जाएंगे तो बहुत लोग हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो कुर्ला में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे काम हम लोग आगे भी साथ में मिलके करते रहेंगे, चाहे वो कुर्ला वाइस की टीम के साथ काम करना हो या और कोई टीम जो अच्छा काम कर रही है उनके साथ खड़े रह के काम करना हो, हम उनके साथ आगे इस तरह खड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं दोनों का, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा हम लोग करते हैं कोहिनूर हॉस्पिटल का, जिन्होंने इस ब्लड कैंप को सहयोग दिया और जो पॉसिबल हो पाया उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो कुर्ला वाइस ने जो ये कैंप आयोजित किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान कुर्ला वाइस की मेडिकल टीम का है, और मेडिकल टीम के जो प्रेसिडेंट है, आइए उनसे बात करते हैं कि इस कैंप में क्या क्या उन्होंने वो किया है, और मेडिकल के कुर्ला वाइस की तरफ से क्या क्या मेडिकल प्रोवाइड किया गया इस लॉकडाउन में। सबसे पहले पैंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा फेसेस किए गए थे वो वुमेंस ने फेस किए थे, जो सोनोग्राफी और जो डिलीवरी को लेके कॉम्प्लिकेशन हुआ वहाँ से कुर्ला वाइस मेडिकल टीम ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 256 फीमेल्स को फ्री सोनोग्राफी और डिलीवरी फ्री डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड किए गए थे। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया कि उसके बाद उनको आफ्टर न्यूट्रिशन का, जैसे पैंडेमिक में सब लोगों को फूड क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी, काफ़ी सरकमस्टेंस थे, तो उनमें आफ्टर जो मेडिकेशन जो उनको लगती है उस पर फिर हमने ध्यान दिया। उसके बाद CT MRIs के टाइप हुए, जो CT जो हम लोग BMC रेट्स में हम लोग प्रोवाइड करने लगे, हमारे टाइप कुर्ला से स्टार्ट हो गए, अक्रॉस मुंबई चले गए। और जो कुर्ला वॉइस का लेटर एक ऐसा लेटर है जो कि ऑल ओवर सेंटर्स चल रहे हैं, जो हमारे ग्रुप में प्रॉपर पब्लिश होता है, प्री एंड पोस्ट के साथ में हम उसकी डिटेल्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो BMC के रेट में हम प्रोवाइड करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखा जाए तो उन लोगों को हो रहा है कि जिनके वेजेस कम हो चुके हैं, जिनके वेजेस बहुत ज़्यादा लो जा मिडिल क्लास है, जो टेस्ट 16,000 के स्कैन्स हम लोग ने 4,000-5,000, और जो भी पुअर है और जो नीडी है उनको हम लोग ने ये विथ वेरिफिकेशन हमने फ्री में कराया है, और CT MRI, पेट स्कैन, क्राउड फंडिंग फॉर कैंसर पेशेंट, और जेनेटिक डिजीज और इम्यून डिसऑर्डर्स तक का हमने काम किया है। थैंक यू मैम, आपने मेडिकल के द्वारा जो भी सहयोग दिया लोगों को, इस कोविड की महामारी के अंदर लोग अफरा तफरी में परेशान थे, और कुर्ला वाइस ने लोगों के लिए काम किया, उसके लिए हम कुर्ला वाइस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कि और ये हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह का वो काम जारी रखें। मैं कुर्ला के तमाम आवाम जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, सोशल मीडिया पर किया हो, माउथ जो है कन्वर्सेशन में किया हो, या उन्होंने यहाँ आकर किया है, या जिन्होंने जिस तरीके का भी इस जो है कैंप के लिए हमें कुर्ला वॉइस को जो है सहयोग दिया है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो ब्लड टेक्निकल टीम है जो कोहिनूर से आई हुई है, जिनसे हमने टाइप किया था, मैं कोहिनूर हॉस्पिटल और उनके ब्लड डोनेशन के टेक्निकल टीम की भी बहुत बहुत मैं जो है शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने ये ब्लड डोनेशन बैंक को कामयाब बनाने में हमारी पूरी पूरी मदद की है। आई एम थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।